बहुत ही कटाक्ष और व्यंग से भरी हुई और तेज और मिर्ची और स्पाइस और सॉस से भरी किताब है। इनकी पहली किताब स्कैंडल पॉइंट जो मैंने पढ़ी थी, ये फ्लैश पॉइंट अभी मैंने पढ़ी नहीं है, बट जो इसका प्रेमाइस है वो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया और बहुत ही एक्साइटिंग है। सो आई एम वेरी 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 मच लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग इट। मुझे ये एरिया फोटोग्राफर्स और एक्टर्स या जो रेड कार्पेट के इस पार या उस पार का जो एक ये कॉर्ड होता है उसका हमेशा लगता है कि क्या वो थक नहीं जाते हम लोगों की फ़ोटोग्राफ्स लेते लेते, और हमेशा मुझे लगता है कि वी आर ऑल वन, क्योंकि अगर आप लोग नहीं हैं तो हम लोग नहीं हैं। अगर आप लोगों का कैमरा हमें खींचेगा नहीं, हमारी फ़ोटोग्राफ्स नहीं लेगा, तो ऑडियंस हमें देखेगी कैसे, जानेगी कैसे। सो आई थिंक इट्स अ डीप एंड अ लॉन्ग फ्रेंडशिप एंड अ वेरी नेसेसरी वन। बहुत ज़रूरी है ये दोस्ती। तो काफ़ी सारे लोगों को मैं सालों से जानती हूँ, उनके चेहरे देखती हूँ, आई वेव टू देम एंड आई ऑलवेज मेक टाइम टू डू फोटोग्राफ्स नाइसली बिकॉज आई थिंक ये उनका बहुत ज़रूरी काम है। जी, गौतम राजाध्यक्ष जो अब नहीं है, मिक्की कॉन्ट्रैक्टर ने मेकअप किया था, वो मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल पोर्टफोलियो था और मेरे पास जितने पैसे थे सब खर्च हो गए उसमें बिकॉज दे वर द टॉप एट दैट टाइम। तो आई वॉज वेरी नर्वस, बट पता नहीं जैसे कैमरा ऑन होता है वो सब नर्वसनेस उड़ जाती है एंड आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी। थैंक यू, थैंक्स सो मच। आपने मेरी फिल्म के बारे में कुछ नहीं पूछा, रहस्य के बारे में मैं नहीं बताऊंगी। मैम टू लेफ्ट, मैम टू हियर, हियर What?
पॉइंट के बारे में जानना चाहेंगे सर? वो तो मैं भी जानने के लिए यहाँ आया हूँ भाई, बट आई थिंक आई एम श्योर द इंग्लिश बोलना चलेगा ना, आई एम श्योर द दिस बुक इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड यू एज आवर मैन फहद हैज इट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस बुक, प्रेफरेबली इफ ही प्रेजेंट्स मी वन, अदरवाइज आई विल बी आई विल हैव टू बाय वन, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी एज गुड एंड मोर एज आई नो फहद. फहद जी ने तो अपने व्यू पॉइंट्स डाले होंगे, लेकिन आपका कैसा रिश्ता है फोटोग्राफर्स के साथ? मेरा और फहद साहब का रिश्ता पनिंग और ह्यूमर का है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस किताब में भी ये सब होगा. फोटोग्राफर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी मेहनत करते हो, वो सेलिब्रिटीज के पीछे जाते हैं, क्या कहना? क्यों जाते हैं? मैं तो यही सोच रहा हूँ क्यों जाते हैं यार, उनको अकेला छोड़ दो. आने वाले यूनियन बजट को लेकर के क्या अपेक्षा है आपको? इतना मुझे पता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं है, अभी मैं उस पड़ाव पे आ पहुंचा हूँ जिंदगी के कि मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं है ये बजट को लेकर. वर्ल्ड कप को लेकर के सर, टीम इंडिया को क्या? वो तो अवश्य जीतेगी, अवश्य जीतेगी. ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं ना, अपन बुक के बारे में कुछ बोल रहे थे ना. नहीं सर, आपके सॉफ्टवेयर हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम वर्ल्ड कप इस बार भी ले आएंगे इंशाल्लाह, भगवान ने चाहा. थैंक यू सर. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आपने 8 फोटोग्राफर्स का जिक्र किया है इसके अंदर, तो क्या क्वालिटी देखी आपने, कैसे रिसर्च किया उनके ऊपर, और कैसे पता चला कि ये 8 फोटोग्राफर्स ही सबसे बड़े? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. मेरी किताब यही बात कर रही है कि इसमें कोई ऊंच नीच बीच का सवाल ही नहीं है. हर आदमी का अलग हुनर होता है, अतुल कस्बेकर हो या कोई भी हो, जब कैमरा के साथ में आदमी खड़ा होता है तो वो फोटोग्राफर है, और मैं उन सबको सलाम करता हूँ. दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ माई नॉवल फ्लैश पॉइंट. ये जो है, ये लोग जो आर्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे बम्बई में ऐसे लाखों हज़ारों प्रेस फोटोग्राफर्स हैं, एक से बढ़कर एक, जिन्होंने अपना हुनर, अपना टैलेंट, अपनी टेनेसिटी सब जाहिर की है. और ये एक सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, कोई एक लड़की है, अश्विनी सावंत जो है वो लड़की है, एक बाप और बेटे जो है प्रथमेश बांडेकर और प्रदीप बांडेकर, एक जो है जिन्होंने अपने आप को, उनको रोल डालना नहीं आता था, योगेंद्र शाह कैमरा के अंदर, आज वो इतने बड़े फोटोग्राफर है जो सारे दुनिया भर में फोटोग्राफ्स भेजते हैं. विरल भयानी जो है वो MBA है और न्यू जर्सी में उन्होंने पब्लिकेशन किया. तो हर आदमी की अपनी अपनी कहानी होती है. ये मेरा एक छोटा सा अतुल कस्बेकर, और मैंने सोचा कि सिर्फ एक सैंपल के हम लोग जो हैं इनको सलाम करते हैं, और आप सबको सलाम करते हैं, और आज शाम आप देखेंगे हम यही करने जा रहे हैं. अच्छा, जैसे आपने उनको बताया कि मैं उनकी लाइफ पर किताब लिखने वाला हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था, कैसे उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया, और रिसर्च क्या क्या करनी पड़ी आपको इसके लिए? वेल, देखिए, इतने साल हो चुके हैं मैं यहाँ पर ऑन दिस साइड ऑफ द रेड कार्पेट रहा हूँ, और जब मैं देखता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, तो एक वो होता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सामने वाला ज़्यादातर पूछता नहीं है कि उस साइड पे क्या हो रहा है. और मुझे हमेशा ये एक दिलचस्पी थी कि इस साइड पे आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी इच्छाएँ क्या हैं. आप नहीं चाहते कि वो रेड वेलवेट रोप को है क्रॉस करके आप यहाँ पर क्यों नहीं खड़े हैं, और क्यों खड़ा है. तो ये जो है चीज़ें जो हैं, ये बस एक मनोवैज्ञानिक किस्म की जो है इच्छाएं हैं. बम्बई जो है ये माया नगरी है हमारी, यहाँ पर हर आदमी जो है वो अपने आप को माया मोह में चाहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ लोग उस जाल में फंस जाते हैं, और ये मेरी वो कहानी है. Okay.